हेलो, मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है कृषि क्रांतियाँ। तो भारत में कृषि को व्यापक रूप में लेकर के और कृषि विकास के लिए जो है वो बहुत विभिन्न सारी जो है वो क्रांतियाँ या कह सकते हैं कि अनूठी पहल शुरू की गई, जिनको जो है वो क्रांति का नाम दिया गया ताकि उनको एक मिशन के रूप में जो है वो पूरा किया सके। तो चलिए हम चलते हैं, पहली क्रांति देखते हैं हम। तो पहली क्रांति है आपकी हरित क्रांति। पहली क्रांति क्या है आपकी? हरित क्रांति। हरित क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आती है ये। तो इससे क्या क्वेश्चन आते हैं? तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन से है क्योंकि 1965 के दौरान भारत में जो है वो खाद्यान्नता में आत्मनिर्भरता नहीं थी, फलस्वरूप जो है वो हमको अमेरिका जैसे देशों से जो है वो खाद्यान्न मंगाना पड़ता था। तो लाल बहादुर शास्त्री की सोच को अग्रसर करते हुए 1966-67 में जो है वो मुख्य रूप से उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया। उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, उन्नत बीजों का प्रयोग, जिसके फलस्वरूप जो है वो हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। और अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सी फसलें अधिक वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो सर्वाधिक लाभ जो है वो आपका गेहूं और चावल को मिला। गेहूं और चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। इसी प्रकार से जो पहले से राज अग्रणी थे कृषि में वो ज़्यादा लाभ की स्थिति में रहे। तो कौन कौन से राज अधिक लाभान्वित हुए? तो उसमें आपका जो है वो पंजाब, हरियाणा और आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, तो ये राज्य जो है लाभान्वित रहे। अब ये क्वेश्चन बनता है कि इस हरित क्रांति के, जो भारत में हरित क्रांति आई, उसके जनक कौन थे? तो उसके जनक कौन थे आपके? तो सबको मालूम होना चाहिए कि हरित क्रांति के जनक जो है वो कौन थे। तो M.S. स्वामीनाथन, जनक जनक M.S. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे अपने? तो प्रधानमंत्री अपनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी। कभी पूछा गया कि किस प्रधानमंत्री काल में हरित क्रांति शुरुआत हुई? तो इंदिरा गांधी काल में। अब एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले हरित क्रांति जो है कहाँ पे आई? तो दुनिया में सबसे पहले हरित क्रांति आई आपकी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। और विश्व हरित क्रांति जनक किसे कहा जाता है? तो वो है आपके प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग। ये आपके अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं। ये पूछा गया एग्जाम में कि किस देश के हैं ये? तो अमेरिकी जो है वो कृषि वैज्ञानिक हैं आपकी ये, और इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो चलिए इतना ही इम्पोर्टेंट था इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके। अगली क्रांति हम लेते हैं आपका, तो अगली क्रांति है आपकी श्वेत क्रांति। और सबसे पहले क्रांति कौन लाई गई? तो सबसे पहले क्रांति आपकी जो है वो यही हरित क्रांति ही मानी जाती है। और इसका द्वितीय चरण भी जो है वो 1980 के दशक में जो है इसका द्वितीय चरण भी शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य था कि वे राज्य जो इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं उनको भी लाभान्वित करना। दूसरा है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूसरा क्या है आपका? श्वेत क्रांति। इससे एक क्वेश्चन तो आपका ही आता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, तो किससे संबंध? दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो श्वेत क्रांति जनक कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन। कौन कहे जाते हैं? वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। इनका महत्वपूर्ण योगदान था और इन्हीं के नेतृत्व में जो है वो
ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। तो ये भी पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। और ऑपरेशन फ्लड जो है वो इस क्षेत्र का, दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा परियोजना थी, है तो इसको भी याद रखिएगा। और वर्गीज कुरियन को एक उपनाम दिया गया है, वो क्या उपनाम है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। किसको, वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है ये कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन चर्चित है, तो आपके वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। चलिए आगे चलते हैं। और इस क्रांति का जो सबसे अच्छा प्रभाव रहा वो रहा कि आज दुग्ध उत्पादन में भारत जो है दुनिया में पहला स्थान है। तो इसको नोट कर लीजिए, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। पहले अमेरिका का प्रथम स्थान हुआ करता था, लेकिन अमेरिका को पीछे करते हुए अब जो है वो दुग्ध उत्पादन में किसका स्थान है, भारत का स्थान है। चलिए अगली क्रांति हम लेते हैं, अगली क्रांति हमारी नीली क्रांति। ये 1964-65 में शुरू की गई थी श्वेत क्रांति भी, और 1970 में जो है वो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था, है ना। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये आपका गुजरात का जो अमूल है वहाँ से शुरू किया गया था ये। और अगला चलते हैं अपन नीली क्रांति, तीसरा नंबर कौन है आपका, नीली क्रांति। नीली क्रांति तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है मछली उत्पादन से, मछली उत्पादन से, ठीक है। तो मुख्य रूप से मछली कहाँ पाई जाती है अपनी, मछली पाई जाती है आपके पानी में, मछली कहाँ पर मिलती है, पानी में, ठीक है। इसको पानी की रानी भी कहा जाता है। तो पानी का यद्यपि कोई रंग नहीं होता है, लेकिन अगर स्वच्छ पानी है और उसको अगर हम दूर से देखते हैं तो ऐसा एहसास होता है जैसे वो नीला नीला हो। तो उसी के आधार पर इसका नाम जो है वो नीली क्रांति रखा गया। और चूंकि मछली कहाँ पाई जाती है, पानी पाई जाती है, इसलिए इसका संबंध किससे हो गया, मछली उत्पादन संबंध हो गया। और इस क्षेत्र में हमने जो है वो काफ़ी प्रगति की है। और इसके जनक कौन थे, नीली क्रांति के जनक जो है वो डॉक्टर अरुण कृष्णन। जनक कौन है इसके, जनक अरुण कृष्णम। कौन है, अरुण कृष्णम, ठीक है। तो इसके जो है वो ये जनक हैं, यहाँ पे लगा दीजिए थोड़ा रा, अरुण कृष्ण जो है इसके जनक हैं। और ये क्रांति भी जो भारत में जो है वो लगभग अच्छी सफल रही। और आज भारत का जो है मछली उत्पादन में या मत्स्य शब्द यूज होता है इसमें, मत्स्य उत्पादन में जो है वो भारत का विश्व में जो है वो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान जो है वो आपका चीन का है, किसका है, चीन का है। तो सिंपल है, नीली क्रांति का संबंध किससे, ज्यादा कुछ ऐसे ही आता है आपका, तो वो है आपका मछली या मत्स्य उत्पादन संबंधित है। और इसके जनक भी पूछे गए हैं, तो जनक इसके कौन है, अरुण कृष्णम। जनक कौन है इसके, अरुण कृष्णम। चलिए आगे चलते हैं हम, आगे है आपका गुलाबी क्रांति, चौथी क्रांति है आपकी गुलाबी क्रांति। ये भी एग्जाम में आई है, गुलाबी या पिंक क्रांति, गुलाबी या पिंक क्रांति, है ना, लिख लेते हैं। चौथा नंबर, चौथी क्रांति कौन सी है, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये हम देख लें। तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो झींगा मछली और प्यास से है, झींगा मछली और प्याज से भी इसका संबंध बताया जाता है, प्याज से, ठीक है। और गुलाबी क्रांति जनक कौन थे, तो वो हैं आपके दुर्गेश पटेल। जनक कौन है इसके, श्री दुर्गेश पटेल,
तो जनक याद करने के लिए कोटिंग क्या बनाया, ऐसे गुलाब गुलाबी गुलाब बन ले। गुलाब के फूल किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। गुलाब के फूल किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। और हमारी दुर्गा माता जी, जो हमारी पूजनीय दुर्गा माता जी हैं, उनको जो है लाल फूल बहुत पसंद है, तो उससे बना लें दुर्गा माता से क्या बना लें, दुर्गेश। तो इस तरह से आपको गुलाबी क्रांति जनक कौन है, तो गुलाब लाल रंग का होता है और लाल फूल जो है वो दुर्गा माता को पसंद है, तो दुर्गा माता से बना लें आप दुर्गेश पटेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली क्रांति हमारी है आपकी स्वर्ण क्रांति। इसके जनक जो है आपके स्वर्ण क्रांति। तो इसका संबंध किससे है ये आप हमको बताइएगा, है ना, मैसेज करके। और इसके जनक जो है वो निरपक तुवेज इसके जो है वो जनक है। और इसका संबंध किससे है ये आप हमको जो है वो ग्रुप में क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल में आप जो है वो मैसेज करके हमको बताइएगा। चलिए ठीक है, अब हमारी छठवीं क्रांति जो है वो छठवीं क्रांति हमारी लाल क्रांति। लाल क्रांति, तो लाल क्रांति का संबंध किससे है आपका? मांस उत्पादन से। कई जगहों में आया ही है तो। और इसमें सबसे अधिक योगदान जो है वो किस मांस का है? भैंस का। तो उन्नत कसी के बुचड़खाने खोले जाना और निरंतर इस तरह के प्रयास किया जाना ताकि हमारा मांस उत्पादन में जो है वो निर्यात में हमारा स्थान बन सके, इसके लिए इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। फिर अगला हम लेके चलते हैं, तो अगला हमारा है रजत क्रांति। रजत यहीं लिखे दे रहे हैं, मिटा रहे हैं उसको, रजत क्रांति। तो इसके जनक हैं आपके श्रीमती इंदिरा गांधी। सभी जानते हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी, और भारत की आयरन लेडी भी इनको हम बोल सकते हैं। और इसका संबंध जो है वो आपका अंडा उत्पादन से है। तो इसको गैस लगा लीजिए, अंडा भी जो है कर रहा भाग सफ़ेद और कुछ चमकीले टाइप का होता है, तो उसे चांदी जैसा एहसास होता है। तो रजत माने क्या होता है? चांदी। और अंडा कैसा दिखता है? सफ़ेद रंग का, थोड़ा सा मटमैल हो जाता है तो चांदी जैसा दिखता है, तो उसी से अंडा उत्पादन संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति, तो प्रोटीन हमारे संतुलित आहार का एक मुख्य अवयव है। और संतुलित आहार में अगर हम प्रोटीन ना लें तो उस आहार को हम संतुलित आहार नहीं कह सकते हैं। तो उन सभी पदार्थों को जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, तो किस तरह से सभी लोगों को प्रोटीन उपलब्ध हो, इस दिशा में जो है वो पहल की गई है, इसी को नाम दिया गया है आपका प्रोटीन क्रांति। इसके जनक आपके जो हैं वो जनक आपके वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी और सैम पितोदा, और कौन है आपके वो स्वयं पितोदा, अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली, है ना, इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये प्रोटीन क्रांति जनक थे आपके। अब चलते हैं हम पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति, चलिए ठीक है, पीली क्रांति देख लेते हैं किससे संबंधित है। पीली क्रांति तो इसका संबंध है आपका तिलहन उत्पादन से। और खास तौर से सबसे बड़ा तिलहन का माध्यम है आपका सरसों, तो कहीं कहीं पे आपका विकल्प में सरसों भी रह सकता है, तो वो भी आपका सही आंसर होगा। कहीं कहीं विकल्प में जो है वो सरसों मिलेगा आपको, तो सरसों भी आप लगा सकते हैं।
यदि तिलहन नहीं है तो आपका सरसों आपका सही आंसर होगा। और इसके जनक देखते हैं तो जनक इसके जो है वो सेम्प्रतोदा जनक, सेम पितोदा और राजीव गांधी, और स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी इसके जो है वो जनक है। ठीक है, चलिए अगली क्रांति चलते हैं। अगली क्रांति है आपकी भूरी क्रांति। भूरी क्रांति कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति, भूरी भूरी क्रांति, इसका एक नाम और है जो चर्चा में रहता है, वो भी नाम एग्जाम में यूज कर लेता है, वो बोलता है धूसर क्रांति। धूसर, इसको भी याद रखिएगा, धूसर शब्द भी धूसर क्रांति, इसी का नाम भूरी क्रांति को जो है धूसर क्रांति भी कहते हैं। और इसका जो है संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। तो ज़्यादातर उर्वरकों का रंग जो है वो भूरा भूरा होता है, उसी से जो है वो इसका नाम जो है वो भूरी क्रांति रखा गया है। अगला है आपका बादामी क्रांति। अगली क्रांति कौन सी है? ये भी महत्वपूर्ण क्रांति है आपकी। लगभग मैंने इस टॉपिक में एक स्थान पर सभी क्रांतियां नहीं मिलती हैं, 8 से 10 क्रांति मिलती हैं, लेकिन मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि एक ही स्थान पर जो है वो लगभग सभी क्रांतियाँ, हो सकता है कि छूट सकती हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि सभी क्रांतियाँ आपको जो है वो इस टॉपिक में दे दूँ। कृषि क्रांतियाँ है ना, कृषि जगत की प्रमुख क्रांतियाँ। अगला है आपका बादामी क्रांति। बादामी, बादामी क्रांति, तो इसका इतना ही क्वेश्चन आता है, इसका इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो मसाला उत्पादन से, इससे है मसाला उत्पादन से, इससे मसाला उत्पादन से। और मसाला उत्पादन में भी भारत का जो है वो दुनिया में प्रमुख स्थान है। और देखा जाए तो राज्य में देखा जाए तो सबसे अधिक राज्य को मसाला कहाँ पे होता है आपका? तो वो राज्य है आपका केरल, माने कि राज्यों में जो है मसाला उत्पादन में केरल जो है वो पहला स्थान रखता है। अब चलते हैं हम सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति। अगली क्रांति है आपकी सुनहरी या स्वर्ण क्रांति। सुनहरी, चूँकि सोना सोना सुनहरा होता है तो सुनहरी, या इसी को बोलते हैं स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति। ठीक है, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, तो इसका संबंध जो है वो आपका वो है फल उत्पादन, फल उत्पादन, फल में खास तौर से सेव फल, सेव फल खाया होगा हमने सबने, सेव फल है ना, सेव फल। और शहद उत्पादन से भी इसका स्थान, इसका साथ जुड़ा जाता है, शहद उत्पादन से भी इसका संबंध बताया जाता है। तो मैंने फल उत्पादन और शहद उत्पादन पे जो है वो जोर दिया जा रहा है इस क्रांति के माध्यम से। फिर आपकी अगली जो है वो है आपकी अमृत क्रांति। यहीं पर लिख देते हैं हम अमृत, तो इसका उद्देश्य है कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए जो है वो नदियों को जोड़ा जाए। क्या है? नदियों को जोड़ना, तो नदियों को जोड़ने की परियोजना चल रही है, उसको अमृत नाम, अमृत परियोजना नाम दिया गया है, और उसी को जो है वो क्या कहा जाता है? अमृत क्रांति कहा जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला है आपका स्लेटी क्रांति। स्लेटी, तो सीमेंट तो आपने देखा होगा, सीमेंट का रंग कैसा होता है? स्लेटी होता है। सीमेंट का रंग कैसा होता है? व्हाइट सीमेंट को छोड़ करके अगर हम सीमेंट का रंग देखें तो कैसा होता है? स्लेटी, स्लेटी, स्लेटी क्रांति। तो इसमें इतनी पूछा गया एग्जाम में कि स्लेटी क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो सीमेंट उत्पादन से। किससे है? सीमेंट उत्पादन से। और सीमेंट एक विकास का आधार है, और सीमेंट उत्पादन में जो है भारत में पहला स्थान किस राज्य का है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि सीमेंट उत्पादन में कि कौन सा राज्य जो है वो अग्रणी है, प्रथम स्थान है? तो वो है आपका राजस्थान, राजस्थान, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं हम, तो अगला जो है वो आपका गोल क्रांति।
कहते हैं ना गोल मटोल जैसे दिख रहे हो, आलू जैसे, है ना। गोल मटोल मतलब आलू, आलू जो है वो गोल मटोल दिखता है, तो गोल क्रांति, गोल क्रांति, ठीक है। तो कहते हैं आलू जैसे गोल मटोल दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो, आलू जैसे गोल मटोल दिख रहे हो, बोलते हैं हम लोग आपस में। तो उसी संबंध लगा लीजिए कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू से, याद रहेगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू से, क्योंकि आलू जो है वो गोल मटोल दिखता है, कैसा दिखता है, गोल मटोल दिखता है। चलिए आगे चलते हैं, कृष्ण क्रांति एग्जाम में आया है आपके, ये सभी जो हम बता रहे हैं सभी किसी न किसी रूप में एग्जाम में आए हुए हैं, और अगर आप इनको तैयार रखते हैं तो हो सकता है कि आपको एक से दो नंबर का जो है वो एक्स्ट्रा फायदा हो जाए। अगला है आपका कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति का संबंध जो है वो किससे है आपका, बायोडीजल, बायोडीजल, बायोडीजल किससे है, बायो डीजल से। तो याद रखिएगा कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, बायो डीजल से। और अगला चलते हैं हम, अगला हमारा जो है वो काली क्रांति, ब्लैक, काली क्रांति, काली क्रांति, तो इसका संबंध किससे आपका, तो इसका संबंध है आपका मुख्य रूप से पेट्रोलियम या खनिज तेल, खनिज तेल, खनिज तेल में आपके जो है कई चीज़ें होती हैं, खनिज जो है तेल किस तरह का होता है, ये रॉ मटेरियल होता है वो काला काला होता है, गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ का, उसी से जो है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, डामर, और जो हम पहिया वगैरह में स्प्रिंग में लगाते हैं ग्रीस, तो सब जो है वो इसी के उत्पाद हैं। और इसका संबंध जो है वो कोयला से भी बताया जाता है, इससे कोयला से, कोयला भी काला होता है इस तरह देखिए। और खनिज तेल जो है वो खनिज तेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, और एक गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ होता है जिसका शोधन करके जो है हम पेट्रोलियम, डीजल वगैरह प्राप्त करते हैं। तो काली क्रांति का संबंध किससे है, खनिज तेल से और कोयला उत्पादन से। फिर आपका जो है वो सदाबहार क्रांति, सदा बहार क्रांति, ये कृषि जगत की जो है वो एक बहुआयामी क्रांति है, सदा बहार क्रांति, सदा बहार क्रांति, ठीक है। तो ये एक जो है बहुआयामी क्रांति है, बहुआयामी, बहुआयामी, इसके कई आयाम हैं इसलिए इसको बहुआयामी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें आती हैं, जैसे कि कृषि, वो मिट्टी का परीक्षण, मिट्टी का परीक्षण, और उसको किस तरह से उन्नत बनाया जा सके ताकि उससे अधिक से अधिक खेती प्राप्त कर सके, ठीक है। और भी बातें आती हैं इसमें, जैसे कि कृषि वित्त की व्यवस्था, कृषि वित्त व्यवस्था, तो कृषकों को किस तरह से आराम से ऋण मिल जाए, तो उस पर भी जो है इस पर उसको बढ़ावा देने की बात की जाएगी इस क्रांति में, कृषि वित्त, ना कृषि वित्त व्यवस्था। फिर आपका देखें तो वर्षा का जल संरक्षण, वर्षा का जल हमारा जो है व्यर्थ चला जाता है, तो उसको जो है वो संरक्षित रख करके हम वर्षा का जल का संरक्षण, तो उसको हम किस तरह संरक्षित रख करके उसको कृषि के लिए और पीने के पानी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और अन्य उपयोग भी कर सकते हैं उसका, और कृषि शोध को बढ़ावा देना। मणिपुर मिला की कृषि के विभिन्न आयामों को लेकर चल रही है ये कृषि शोध, है ना, तो कृषि में विभिन्न विभिन्न प्रकार के शोध किए जाए, तो कृषि शोध को जो है वो प्रोत्साहित करना। तो आपका जो है किससे संबंध है, इन चार चीज़ों से इसका जो है वो संबंध है, इसलिए इसको बहुआयामी क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है, इसको बहुआयामी क्रांति भी कह दिया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं, एक क्रांति आपकी इंद्रधनुष क्रांति, इसका संबंध किससे है,
ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, इंद्रधनुष क्रांति कौन सी है? इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष देखा होगा आपने, इंद्रधनुष जो है वो सात रंगों में विभक्त होता है, सात रंग होते हैं। तो उसी तरह से इस क्रांति का संबंध जो है वो किसी विषय विशेष से नहीं है, बल्कि जो भी सभी क्रांतियां हैं, सभी क्रांतियां, इसमें आपका हरित क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई आदि, तो उनका जो है वो सभी क्रांति का जो है वो निरीक्षण करना और यह देखना कि ये ठीक ठाक ढंग से जो है वो ठीक ठाक ढंग से जो है वो इनकी प्रोग्रेस है कि नहीं है। तो ये मेरा अंतिम क्रांति बताया मैंने। तो आज हमारा टॉपिक था कृषि जगत की प्रमुख क्रांतियाँ, ये आपके एग्जाम में आता है, आपका ये ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट है आपका ये, और अर्थव्यवस्था में भी सिलेबस को कवर करता है ये। तो मैं आरके सक्सेना, और आप, होली आ रही है, कल तो हम लोगों की क्लास रहेगी यहाँ पे, लेकिन शाम से जो है जो आपकी मॉर्निंग क्लासें हैं वो सभी चलेंगी, लेकिन जो शाम की क्लासें हैं उनकी हम छुट्टी दे रहे हैं, क्योंकि होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है और थोड़ा सा कोरोना हमारे होली के त्यौहार को डिस्टर्ब कर रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। तो आप सभी को मैं आरके सक्सेना होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हुए अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार।